अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर स्टार्टिंग योर लेक्चर फर्स्ट वी रिसाइट दुआ। रब्बी शराहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक्ततम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू द सेकेंड टर्म ऑनलाइन क्लासेस। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड देयर प्रोसेसेस। There is many changes in the world, but the main two changes are the physical and the chemical change. First, we study about the physical change. Physical change is an only temporary change, जो reversible change भी कहलाता है. Any change in size, shape, color, order. Order का मतलब होता है smell. ठीक है, किसी भी किस्म का change आ जाए किसी भी चीज़ के अंदर, वो क्या होता है, फिज़िकल चेंज आ जाता है। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, हम लोग एक फुल ग्लास है उसको ब्रेकअप कर देते हैं तो उसके क्या आ जाएगा, शेप में चेंज आ जाएगा। पहले वो क्या होता है, एक लेंथ वाइज होता है, फिर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसे ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाए, मेल्टिंग ऑफ आइस इंटू अ वाटर। नाउ वी स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फिजिकल चेंज। एनी चेंज इन साइज, शेप, कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, ठीक है, वाटर इनटू आइस एंड आइस इनटू वाटर। इट्स मीन कि जब आप पानी को फ्रीज अप करते हैं तो वो फ्रीज अप हो जाता है, जब उसे बाहर निकालते हैं तो वो पानी बन जाता है। इसको हम रिवर्सिबल भी रिएक्शन कहते हैं और फिजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होता है वो आपका परमानेंट चेंज होता है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, चेंज इन फॉर्म एंड द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, सोर मिल्क, बेक केक। जैसे हम केक को बेकअप कर दें, बेक्ड कर दें, तो वो क्या होता है, क्या हम दोबारा से उसके अंदर से जितना हमने इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिक्स किए हैं वो वापस निकाल सकते हैं, नहीं। इसी तरह उसके नेक्स्ट एग्जांपल है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर डैट मेकअप आयरन ऑक्साइड। अब ना हम आयरन ऑक्साइड में से ना हम आयरन को बाहर निकाल सकते हैं, ना हम ऑक्सीजन को, ना हम वाटर को। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रस्ट इज़ फॉर्म्ड। रस्ट का मतलब होता है जंग, कि जंग कैसे बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है, रस्ट इज़ एन आयरन ऑक्साइड, अ रेडिश ब्राउन ऑक्साइड formed by the reaction of iron and oxygen in the presence of water and air. अब क्या कह रहे हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन जो होता है उसकी प्रेजेंस में वाटर और एयर जब आते हैं तो क्या हो जाते हैं कि आयरन रस्ट बन जाता है। ठीक है, हाउ, वट डू यू मीन बाय द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड डैट मेड अप ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बनते हैं ये। ठीक है, और ये चीफ कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैसेस होते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोनोमर्स। द सिंगल यूनिट ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन सच एज इथिलाइन, प्रोपिलाइन आर कॉल्ड मोनोमर्स।